आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में, किस तरीके से पोस्चर का मेन जरूरी रहता है, एक प्रॉपर तरीके से रहना अच्छे शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज और पोस्चर क्यों ज़रूरी हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से आगे वीडियो लेके आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। लेट्स मूव, आगे चलते हैं। आइए, एक्सरसाइज। डेली जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रखने के लिए, फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए डेली एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने का ये जो अभ्यास है, ये जो कसरत है, इसके करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई खेलता हो, कोई योगा करे, कोई स्विमिंग करे, कोई साइकिलिंग करे, इन सबसे ही एक्सरसाइज हो रहा है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर शरीर का मेटाबॉलिज्म, शरीर की जो रिएक्शंस हैं वो बढ़ रही हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर जा रही है, ये सब तरीके क्या हैं, एक्सरसाइज के तरीके हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, डाइजेशन अच्छा होता है, मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है। जैसे कि आप बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। इसके अलावा योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब भी अच्छी एक्सरसाइजें हैं। देखिए, ठीक है, आप खेल भी रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सोना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद आपको रिलैक्स करती है, आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो थकावट है उसको दूर करती है, आपके ब्रेन को रिफ्रेश करती है। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप ज़रूरी है हमारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, हमारे शरीर को आराम देने के लिए। ये रेस्ट और स्लीप हमें दोबारा से प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए तैयार करती है, हमारे जो शरीर है उसको दोबारा से प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रेडी करता है। आफ्टर हैविंग एडिक्वेट, जब हम उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो हम अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं और हम तैयार होते हैं दोबारा से काम करने के लिए। शरीर से हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक जो अडल्ट है, एक युवक है, उसको 6 से 8 घंटे की नींद एक दिन के अंदर ज़रूरी है। तो मीन्स आपको एटलीस्ट 7 आवर्स का जो स्लीप है वो ज़रूरी है। वो 24 आवर्स में आप किसी तरीके से लें, हो सकता है किसी को 6 घंटे रात को सोना, 1 घंटा दिन में पसंद हो सकता है कोई दिन में ना सोना पसंद करे, 7 आवर्स की कंटिन्यूस स्लीप ले, 8 आवर्स की कंटिन्यूस स्लीप ले। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविजन और अदरवाइज इज ए बैड हैबिट। लेट नाइट तक पढ़ना भी, लेट नाइट तक आप अगर 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। रेदर देन आपको इवनिंग में 10 o'clock सो जाना चाहिए और मॉर्निंग में 4:30 या 5 o'clock उठ जाना चाहिए। और समय की डिमांड है तो आपको 4 बजे भी उठ के पढ़ना चाहिए, दिन में रेस्ट करना चाहिए। देखिए, उसके अलावा एक्सरसाइज भी हो गया, एडिक्वेट रेस्ट हो गया, इवन जो पोस्चर है, किस तरीके से आप बैठे हैं, किस तरीके से आप बैठ के पढ़ रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं, उन सब के ऊपर भी हेल्थ डिपेंड करती है। पोस्चर क्या है, वो पोजीशन, वो अवस्था जिसके अंदर हम अपने शरीर को रखते हैं बैठते वक्त, खड़े होते वक्त या चलते वक्त, उसको हम पोस्चर बोलते हैं। वाइल स्टैंडिंग सीटिंग, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि लेट कर मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो, इस तरीके से खड़े मत हो, सही तरीके से खड़े हो। देखिए, टीचर्स भी आपको बोलते रहते हैं ये जो अवस्था है ये पढ़ने की अवस्था सही नहीं है, इसके बजाय ये जो अवस्था है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बना के बच्चा पढ़ रहा है, दैट इज़ फार बेटर। इस तरीके से बैंड आपको अपनी कमर के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग, ये एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है बैक और आइज के ऊपर। तो करेक्ट पोस्चर जो शरीर के अंदर सही तरीके से बैठ के, सही तरीके से खड़े होके आपको रहना चाहिए, एक तो ग्रेसफुल, एक अच्छा अपीरेंस देता है, और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म तक अगर आप गलत
तरीके से खड़े हैं, बैठे हैं या चल रहे हैं, तो उससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। बिफोर वी एंड अप, आइए इस चैप्टर के अंदर जो की वर्ड्स आए उनको देख लेते हैं। ये की वर्ड्स आपको लर्न भी करने हैं और इनको नोटबुक के अंदर लिखना भी है। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक वो डाइट जिसके अंदर उचित मात्रा के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज है, वाटर है, और शरीर के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए वो ज़रूरी हैं, उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ डिजीज़? एक कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो बॉडी है या जो पार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिजीज़, बीमारी बोलेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। ए डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो डिजीज़ फैलती है उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट आर वैक्सीन्स? स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम मरे हुए या वीक जर्म्स को जो कि बीमारी फैलाते हैं उनको जानबूझकर हमारे शरीर के अंदर ओरली डालते हैं या ब्लड के द्वारा इंजेक्ट करते हैं, सो दैट हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही डेवलप हो जाए, ताकि जब वो रियल जर्म्स या स्ट्रोंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारा शरीर पहले से ही उसके अगेंस्ट तैयार हो और उसको किल ऑफ कर दे, वो बीमारी कॉज ना करने दे। इस तरीके की जो स्मॉल क्वांटिटी में हम ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो एसेंशियल सब्सटेंसेस जो कि शरीर के अंदर ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। बिफोर वी एंड अप, लेट्स क्विकली समराइज पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, वो आपको लर्न करने हैं। इनफैक्ट बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको लर्न करनी है, ड्यूरिंग द लेक्चर्स मैंने बताई है आपको, उसको नोट डाउन करें, उसको लर्न करें। हमारे जो भोजन है उसके पांच मेन न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एडिक्वेट अमाउंट में रफेज और वाटर का भी होना ज़रूरी है। डाइट क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया, फूड को खाने से पहले प्रॉपरली धोया जाना चाहिए, कुक किया जाना चाहिए और उसको सही तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, वो खराब ना हो। फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन जनरल आमतौर पर जो बीमारियां हैं वो दो तरीके की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अगर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका कमी है तो उनको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर किसी जर्म्स के द्वारा हो रही हैं तो वो हो सकती हैं बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोनल डिजीज़, जो कि प्रोटोजोआ से कॉज होती हैं। हमारे शरीर को सही रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोका जा सकता है प्रॉपर हाइजीन से और वैक्सीनेशन के द्वारा। अब इसके एक्सरसाइज करेंगे हम और वन वर्ड, टू वर्ड, वन लाइनर, टू लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे।